गाइस मेरा नाम है शुभम, आपका स्वागत है हमारे शो। फाइनली मिल चुका है रेडमी वाई टू का MIUI 11 का स्टेबल अपडेट MIUI 11.0.2.0 5। ऐसे अपडेट है जिसमें आपको क्या कुछ फीचर देखने, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर देखने मिलते हैं। इसमें फीचर्स की कमी नहीं है, तो वीडियो के अंत तक देखते रहे, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन अब रेडमी वाई टू के यूजर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। लाइक का डर रखता हूँ, 100 लाइक का उम्मीद करते हैं, बहुत जल्दी कर दे, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले चेंजेस की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब अपने फ़ोन को अपडेट कर लेंगे तो यहाँ पे न्यू आइकन पैक देखने को मिलेंगे। सभी के साइड पे आइकन पैक ब्यूटीफुल और सभी सभी कूल आइकन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग और स्मूथनेस काफ़ी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। वहीं मैं अपने फ़ोन को लॉक कर लेता हूँ और लॉक करने के बाद इसे खोलता हूँ तो यहाँ पर एक एनिमेशन भी देखने को मिलेगा जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। वही मैं बात करूं यहाँ पे इसके ऊपर के टॉगल्स की, तो यहाँ पे वोल्टी आइकन ये सभी चेंज देखने को मिलेंगे। हालांकि मैंने सिम नहीं डाल रखी, लेकिन आपने सिम डाल रखी तो वोल्टी आइकन ये सभी के नेटवर्क जो कि होते हैं वो सारे के सारे चेंज देख लेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे टॉगल्स में क्या कुछ चेंज देखने को मिलता है। टॉगल्स में बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एरो का निशान पे, यहाँ पे क्विक, और यहाँ पे आपने सिम डाल रखा है तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिम स्विच कर सकते हैं, क्विक स्विच में बिना किसी सेटिंग में जाए अपने डाटा एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में डाटा स्विच कर सकते हैं, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। मैं बात करूँ तो यहाँ पे मिल जाता है आपको डार्क मोड का सपोर्ट, क्विक डार्क मोड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, बिना सेटिंग में जाए आप डार्क मोड को अनेबल कर सकते हैं, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। और यहाँ पे MIUI 11 का सपोर्ट होने की वजह से यहाँ पे डार्क मोड काफी अच्छा और कूल काम करता है, दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं डार्क मोड जैसे देखो, पूरी सेटिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है MIUI 11 के अंदर। वैसे थोड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन MIUI 11 की वजह से MIUI 11 काफ़ी डार्क मोड काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग। में ग्रे स्केल का मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है जिससे आपका फोन ब्लैक एंड व्हाइट में चल जाता है और पूरे पूरे पुराने यादें ताज़ा हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसे भी अनेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ अपने मोबाइल की सेटिंग में, जैसे सेटिंग ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे आइकन कलरफुल देखने को मिलेंगे, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। पहले यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग लिखा था, लेकिन डिजिटल वेलबिंग एंड पर्सनल कंट्रोलर अब लिखा था, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थोड़ा नाम चेंज कर दिया गया और कुछ नहीं किया। और यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर न्यू ऑप्शन देखने को मिल जाता है कनेक्शन शेयरिंग का। अब जैसे कनेक्शन शेयरिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा एक कास्ट का ऑप्शन, मी शेयर का ऑप्शन इसमें नहीं देखने को मिलता है रेडमी वाई टू में। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार का कुछ देखने को मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और जिसे आप स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट करने का काम आता है, अगर पास स्मार्ट टीवी है तो अपने फोन को टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मैं डेमो लेके आने वाला हूँ, बहुत जल्दी डेडिकेटेड वीडियो आने वाले, तो वीडियो का इंतजार करते रहिएगा। नेक्स्ट चेंज की बात करूँ तो यहाँ पे मिल जाता है लॉक स्क्रीन में कुछ चेंजेस। लॉक स्क्रीन में जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, क्लॉक फॉर्मेट में थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज कर दिया गया, तो ये भी देख लेना। और यहाँ पे हर सेटिंग में अब आपको शॉर्टकट्स देखने को मिलेंगे, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, हर सेटिंग में शॉर्टकट देखने को मिलेगा, अगले सेटिंग को ले जाने के लिए सजेस्ट करेगा, बिना अपने पहले बैक जाके आपको अगले सेटिंग में जाना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको शॉर्टकट्स दिया जाएगा ताकि आप बिना बैक जाए दूसरे सेटिंग में चला जाए। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले में आपको देखने को मिलता है, जैसे डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पे कलर स्कैम है, यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है, पहले कलर लिखा था, लेकिन यहाँ पे एक डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। डार्क मोड पहले भी था, लेकिन इसका UI पूरा का पूरा चेंज देखने को मिलता है। डार्क मोड अनेबल कर सकते हैं, वो तो अनेबल कर ही सकते हैं, वो वहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे शेड्यूल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, डार्क मोड ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा बिना आपके परमिशन के, मतलब आपको ऑन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर टाइम सेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक उस टाइम ऑन हो जाएगा। तो रात के टाइम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप भी रात का टाइम सेट कर ही लीजिए। टेक्स्ट साइज में थोड़ा बहुत UI चेंज देखने को मिलेगा, देख सकते हैं पहले आपको अजीब से देखने को मिलता है, लेकिन अब थोड़ा अलग देखने को मिल जाता है। वही बात करूँ यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है स्टेटस बार का, पहले भी था लेकिन पहले और कहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बैटरी इंडिकेटर, इस पे करेंगे तो नेक्स्ट टू द आइकन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो परसेंटेज साइन था बैटरी से बाहर निकल के चला जाता है, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। हालांकि ये ज्यादा जगह लेता है तो मैं इसको नहीं यूज करूंगा, आपको करना है तो कर सकते हैं, बाकी ये ऑप्शन ऐड कर दिया गया जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्टकट्स मैंने पहले बता देते हैं, तो ये भी आपको देखना। फुल स्क्रीन गेस्चर में थोड़ा UI चेंज देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं थोड़ा अजीब सा लगता है देखने में, पहले से मतलब थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दिया गया UI के अंदर इसके फुल स्क्रीन गेस्चर में, और कुछ नहीं चेंज किया। मैं ये बात करूँ साउंड एंड वाइब्रेशन में, यहाँ पे मेन चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं रेडमी वाई टू में। यहाँ पे जैसे जाएंगे तो पूरा पूरा UI चेंज देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली। और यहाँ पे इवेंट में नेचुरल साउंड भर भर के दिया जाता है, और काफ़ी देखने में अच्छा लगता है, रिंगटोन सेट करने में जैसे लगता है प्रोफेशनल सेट चला रहे हैं, और प्रोसेसिंग तो आईफोन जैसी लगती है यार अब तो थोड़ी बहुत यार, MIUI 11 के बाद काफ़ी अच्छी प्रोसेसिंग कर दी गई, लेकिन लैग होता है कभी कभी, लेकिन प्रोसेसिंग जितनी देर चलता है बहुत अच्छा चलता है MIUI 11 के अंदर। ये मिल जाता है आपको नोटिफिकेशन के अंदर, इसमें भर भर के कस्टमाइजेशन दे दी गई है, जी हाँ, यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं किसी भी ऐप का,
और यहाँ पे एक ये भी दिया गया है, लॉक स्क्रीन की नोटिफिकेशन भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो भी आप लॉक करके लगाते हैं वहाँ पे जो नोटिफिकेशन आते हैं उन्हें भी ऑन ऑफ कर दिया जा सकता है एक एक ऐप के लिए। यहाँ पे फ्लोटिंग नोटिफिकेशन जो ऊपर से आपके नोटिफिकेशन आते हैं उन्हें भी ऑन ऑफ किया जा सकता है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये अलग नोटिफिकेशन जो ऐप के थ्रू आती है, जिस पर लिखा आता है व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन आया, वहाँ से भी आप नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए यूज़ कीजिए, आपको जरूरत पड़ती है रहती है तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन सेट का ऑप्शन देखने को मिलता है एंड्रॉइड के अंदर, थोड़े से और नोटिफिकेशन छोटे देखने को मिलते हैं, और MIUI के अंदर थोड़े से बड़े नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे, वही शॉर्ट एड्रेस बार वही पिछले सेटिंग में, तो ये सजेस्ट कर रहा है कि उस सेटिंग में चले जाओ जो मैंने पिछले सेटिंग में आपको दिखाई दिया था, और ये तो कुछ ज़्यादा नया चेंज नहीं किया। नेक्स्ट चेंज की बात करते हैं, यहाँ पर मिल जाता है आपको होम स्क्रीन का अंदर, सारे सेटिंग में चेंज चेंज करते जा रहे हैं, हर सेटिंग में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिल ही जा रहा है। होम स्क्रीन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार का आपको कुछ देखने को मिल जाएगा। होम स्क्रीन में एक नया ऑप्शन ऑप्शन ऐड कर देगा ब्लर ऐप प्रीवियस का, ब्लर ऐप प्रीवियस देख ले सकते हैं। मैंने जैसे कि मैंने इसको ब्लर करके, अब मान लीजिए मैं अपने कैमरे को चला लेता हूँ एक बारी, या अमेजोन को ही चला लेता हूँ, अमेजोन को अदरवाइज मैं चला रहा हूँ, तो देख अमेजोन को मैंने ब्लर कर रखा था, अब देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार का ब्लर देखने को मिला है। किसी भी ऐप को ब्लर कर सकते हैं, अगर पर्सनल काम कर रहे हैं तो ये आपकी सिक्योरिटी के लिए, आप पर्सनल काम कर रहे हैं एकदम से कोई आता है आपकी चीज़ देख लेता है टास्क मैनेजर में क्या चल रहा है भाई, तो उस लिए इस चीज़ को देखते हुए बनाया गया है, तो आपकी सिक्योरिटी के लिए आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इन्होंने कर दिया, पासवर्ड फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक सभी सभी अलग अलग कर दिए गए। फेस अनलॉक में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलता है, जैसे आप फेस अनलॉक पे जाएंगे मान लीजिए, तो यहाँ पे 2D फेस डाटा का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ऐड 2D फेस डाटा, तो डिलीट कीजिए पहले वाला नया लगाए जी, अब 2D फेस डाटा काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, यूज़ कीजिए जो चीज़ दिया पहले वाला डिलीट कीजिए नया आप लगाइए। अब यहाँ पे मिल जाता है वॉलपेपर का ऑप्शन, वॉलपेपर में क्यों नए नए वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाते हैं जी, रिसेंट में जाएंगे तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। थीम ऐप में जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग पूरा का पूरा UI चेंज देखने को मिल जाता है। मेन चीज़ यहाँ पे है वॉलपेपर पे, आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं पूरे नए नए HD वॉलपेपर देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइव वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास कोई वीडियो है तो यहाँ पे आप लाइव वॉलपेपर लगा सकते हैं, आपने जो वीडियो क्रिएट किया उसका भी लाइव वॉलपेपर लगा सकते हैं, और जो इनकी तरफ से दिया जाता है उनको भी लगा सकते हैं, पर वो ढूंढना पड़ता है आपको इनकी तरफ से जो दिया होता है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। बैटरी एंड परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पे अल्ट्रा पावर सेविंग मोड नहीं देखने को मिलता, और फ्यूचर में शायद तक नहीं देखने को मिलेगा। ऐप्स की बात करें तो सभी ऐप्स वाली सेटिंग इसी के अंदर कर दी गई है। ऐप लॉक परमिशन, ऐप लॉक में थोड़ा बहुत चेंज किया गया, तो ऐप लॉक में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हिडन ऐप का ऑप्शन देख सकते हैं इधर देखने को मिल जाता है जी, देखते हैं इस प्रकार का आपको देखने को मिलता है, लेकिन पहले आपको सेटिंग में जाना पड़ता था हिडन सेटिंग हिडन करने के लिए, तो ये कुछ इन्होंने चेंज किया। मेन चेंज आते हैं यहाँ पे ड्यूल ऐप्स की, ड्यूल ऐप्स में यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चेंज किया गया। मान लीजिए आपने ड्यूल ऐप्स बना रखा है और यहाँ पे एक सेटिंग पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे ही सेटिंग पे ओपन करेंगे तो लॉन्च एनिमेशन आपको ऑन होना चाहिए, ऑन होने के बाद आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, मान लीजिए अब मैंने तो अमेजोन ओपन कर ही लिया, 30 सेकंड बाद यूज करता हूँ, वापस दूसरा कोई ऐप मैं कब करके दिखाता हूँ, मान लीजिए मैंने कर लिया MI कम्युनिटी को ही कर लेता हूँ, मान लीजिए MI कम्युनिटी को मैंने ड्यूल ऐप्स कर लिया, तो यहाँ पे देखते हैं ड्यूल ऐप्स आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे एनिमेशन दिखाएगा लॉन्च एनिमेशन की, ड्यूल ऐप्स ओपन हो रहा है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इसे भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे करता हूँ अनइंस्टॉल, मेरे किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट चेंज की बात करते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है ऐप वॉलेट के अंदर, यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार का ऐप वॉलेट देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है यार। और नेक्स्ट चेंजेस की बात करूँ तो यहाँ पर डिजिटल बेलिंग और पहले ही देखने को मिलता है, लेकिन पर्सनल कंट्रोल आपको देखने को मिला, ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, जो पाई का अपडेट आया था उसमें सारे फीचर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है डिजिटल बेलिंग का, तो वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं चैनल पे जाके, यार लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक मिल जाए तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। एडिशनल सेटिंग में कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, एडिशनल सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर डेट एंड टाइम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर ड्यूल क्लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर ड्यूल क्लॉक सेट करते हैं, अगर आपका कज़न या कोई भी अदरवाइज आपका रिश्तेदार में कोई रहता है तो वहाँ का आप टाइम जानना चाहते हैं अदर कंट्री का, तो वहाँ पे सेट कर सकते हैं ड्यूल क्लॉक इनेबल कीजिए, यहाँ से आप दूसरा कंट्री का सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको पता लगेगा कि हाँ उसका उधर का टाइम ये हो रहा है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्पेशल फीचर का ऑप्शन देखने को मिलता है, ये कुछ नया फीचर नहीं है, बाकी इसके अंदर जो स्पेशल फीचर मतलब सेकंड स्पेस और गेम ट्रूपो को इसके अंदर ऐड करते हैं, गेम ट्रूपो आपको पहले भी देखने को मिलता था जो मैंने बता ही दिया था, और क्यूक रिप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे न्यू ऑप्शन। क्यूक रिप्लाई क्या है, मान लीजिए अदरवाइज आपके व्हाट्सएप में क्यूक रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई से मतलब किसी जिस ऐप में आपको क्यूक रिप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो वहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं और उसमें क्यूक रिप्लाई का ऑप्शन कर सकते हैं। अदरवाइज ये किसी ऐप का ही ऐप में काम नहीं करता, क्योंकि आप सोच रहे हैं अमेजोन के अंदर, अमेजोन में कोई मैसेज सर्विस ही नहीं है तो उसमें कहाँ से काम करेगा, हालांकि इन्होंने ऑप्शन तो दिया हुआ है, पर फ्यूचर में कभी आए तो आप क्यूक रिप्लाई कर सकते हैं अमेजोन के अंदर भी, बाकी व्हाट्सएप फेसबुक मैसेंजर इन चीज़ों में आप क्यूक रिप्लाई ऑन कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं सभी में कर सकते हैं, बाकी कई में वर्क नहीं कर रहा, तो ऐसा मैं सोचना वर्क नहीं कर रहा।
नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, यहाँ पे सर्विस एंड फीडबैक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फीडबैक का ऑप्शन पहले भी देखने को मिलता है, लेकिन फीडबैक के साथ सर्विस का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ से आप सर्विस ले सकते हैं। ऑफिस टूल्स का देख सकते हैं, ऑफिस टूल्स का मैं सर्विस ले रहा हूँ, तो सर्विस सारी चीज़ की आप ले सकते हैं। इस प्रकार के आप फीडबैक का ऑप्शन पहले अभी भी देख सकते हैं, यहाँ से फीडबैक दे सकते हैं। और कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं किए गए। बाकी MIUI 11 के बाद काफ़ी सारी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा MIUI 11। काफ़ी सारा का UI चेंज हो गया, नए नए फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और आने वाले टाइम में अल्ट्रा पावर सेविंग मोड, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर आने वाले हैं। तो चैनल पर विजिट करते रहना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, हम सभी आपको फीचर्स बताएंगे इस चैनल पर। और चेंज की बात करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेटर ऐप में फ्लोटिंग कैलकुलेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कैलकुलेटर को इस प्रकार से आप कर सकते हैं, देखते हैं इस प्रकार के आप अपना हिसाब किताब फोन के अंदर कर सकते हैं। इसको ऑप्टिकल भी कर सकते हैं, किस प्रकार ट्रांसपेरेंट चाहिए, इसका साइज बड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसे भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अदरवाइज इसमें कुछ नहीं चेंज किया गया। 3D टच आपको देखने को मिले। ऐप ड्रॉवर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगी। Redmi Y2 का बैकवर एंड ग्लास लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो जाके चेकआउट कीजिए, बाय कीजिए। और कुछ फीचर की बात करूँ तो यहाँ पे और कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिल जाती। और इंटरेस्टिंग फीचर मेरे को मिलते हैं इस अपडेट के अंदर तो मैं आपको ज़रूर वीडियो लाऊंगा। अगर आपको कोई फीचर्स मिले तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं लोगों को बता सकूँ। तो ज़रूर से बताना आपको कोई और भी फीचर मिले। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।